हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोग बहुत देर पहले ही उठ गए थे, 9 बजे से उठे हुए हैं। तो ऐसे बैठ के बात वगैरह कर रहे थे, चाय वगैरह पी, चाय नाश्ता किया एंड फिर उसके बाद बातें वगैरह चल रही थी बहुत देर से। फिर अभी आए हैं बंदर का खेल दिखाने वाले, क्योंकि जब छोटे थे ना तब हम लोग देखते थे बंदर का खेल दिखाने के लिए आते थे, जैसे सांप का खेल दिखाने के लिए आते थे। तो आज बहुत टाइम बाद आए हैं बंदर का खेल दिखाने के लिए, तो बस मैं वही देखने जा रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ और खाना वगैरह भी खा लिया है एंड अब हम लोग जा रहे हैं खौड़ा मामा के घर पर मामी से मिलने के लिए और प्रियंका पूजा से मिलने। पूजा तो वैसे शायद जॉब पे गई होगी, तो प्रियंका और मामी होंगे घर पर, तो उन लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो बस मौसी आ चुकी है, मौसी और पुच्चू आ गए हैं और अब मम्मी, मैं, मौसी और पुच्चू हम चारों जा रहे हैं खौड़ा मामी और प्रियंका से मिलने के लिए। इतनी गर्मी हो रही है ना, गर्मी में ना पूरा फेस भी ऐसा काला काला सा लगता है, सच में क्या बताऊँ। गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, मैंने स्टॉल भी ले लिया फेस कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत धूप हो रही है तो वैसे फेस इतना काला हो गया और काला हो जाएगा। और हमारा पुच्चू भी चमक रहा है, स्कूल से आया पुच्चू, थक गया बेचारा हाथी। अब हम लोग निकल रहे हैं, गाइस हम लोग निकल गए हैं और सबसे पहले हम लेंगे प्रियंका पूजा के लिए, मैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह लूँगी उन बच्चों के लिए, वो लेते हुए फिर जा रहे हैं मार्केट से, पहले उनके लिए कुछ ले लूं बच्चों के लिए। गाइस हम लोग निकल चुके हैं खौड़ा जाने के लिए और पापा में छोड़ के आ रहे हैं कुछ। मौसी तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ मौसी, अच्छा हो रही कोने में बैठी है। बहुत गर्मी हो रही है इसलिए पापा को बोला पापा छोड़ के आ जाएंगे हमें, इतनी गर्मी हो रही है ना, पसीने बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा धूप है। कुछ मजा आ रहा है, हम लोग पहुंच गए हैं मामी की सर पे। ये रही हमारी मामी, शर्मा गई अब। और प्रियंका भी नहीं है यहाँ पर, हमें लगा प्रियंका होगी और वो है ही नहीं, वो अभी जॉब पे गई है, इंटरव्यू देने के लिए गई है वो लड़की, तो वो अभी आएगी। अभी मैंने उसको फोन किया तो कह रही हाफ डे लेके आती हूँ, पता नहीं इंटरव्यू देने गई है या कहाँ गई है, पता ही नहीं है, तो कह रही मैं आ रही हूँ अभी। तो अभी मैंने उसको फोन किया, वो आ रही है, कुछ फोन में लगा पड़ा है वहाँ पर। गाइस ये सामान लेके आई थी मैं प्रियंका पूजा के लिए, चॉकलेट्स भी हैं इसके अंदर, ये रही चॉकलेट्स। सारी वैरायटी की चॉकलेट ले आई मैं इसके लिए, इन लोगों के लिए, माता भी ले आई थी। हाँ बस आ रही है प्रियंका अभी। गाइस देखो मामी के घर भी एक डॉगी रहता है, क्या नाम है तुम्हारा, है क्या नाम है ये बताओ, कोई आता जाता है तो मिलना होता है उससे या नहीं, अपने सोने में लगा रहता है। अभी मैंने बुलाया, हम लोग आए तो हमसे मिलने भी नहीं आए, छो रहा था बस छो। क्या नाम है तुम्हारा, रायता बनाया नींबू के डाल के, नाम इसका नाम क्या है, मैं तो सब बोलते हैं ए सिमरन 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 कितना मजा आ रहा है, चलो जाओ यहीं सो जाओ तुम, यहाँ बैठ के सो रही थी ये। गाइस प्रियंका आ चुकी है घर पे, हमने इसको बुला लिया, ये बेचारी घर में रहती है तो आज कॉलेज चली गई थी, अपने कॉलेज गई थी ना। हाँ अच्छा, कभी कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है
तबीयत ठीक है अब तेरी? इसकी तबीयत खराब रहती है। ठीक है, आराम है पहले से? चल सही है। मामी क्या कर रही है नीचे बैठ के? अच्छा अब पुच्छू तू फोन में लगा रही हो है ना? गाइस यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की कचरी बन के आ रही है। अरे छुट्टी रहती नहीं है, क्या करें, बच्चे को रहती है। यहाँ पर साड़ियों की दुकान लगी हुई है। प्रियंका कितने में बेच रही है ये बता, कितने में लोगे पापा? चलो भैया हम लोग निकले, पापा का फोन आ गया, पापा हमें लेने के लिए आ रहे हैं जल्दी। बस चलो चलो, नहीं 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 मामी नहीं प्लीज, खानी नहीं मामी, नहीं नहीं तुम्हें मेरी कसम है, हमेशा तुम अपनी कसम देती हो, हमेशा तुम अपनी कसम देती हो, नहीं मैं तुम्हारी कसम मानती हूँ ना, नहीं नहीं मैं तुम्हें कसम मैं हमेशा अपनी कसम मानती हूँ ना, पैसे खुले नहीं है। नहीं। नहीं। हम लोग निकल चुके हैं, पापा आ गए थे हमें लेने के लिए और हम लोग निकल गए। और देखो मेरे को कितनी स्वेटिंग हो रही है, कितनी ज्यादा पसीने आ रहे हैं, हमारे कुछ को भी आना है यहाँ पर। हाँ ऑन है पीछे एसी। हम लोग आ चुके हैं घर पर, और थक गए, और मैं ठंडा ठंडा पानी लेके आई हूँ। सबसे पहले आते ही फ्रिज में से बॉटल निकाली ठंडे पानी की, क्योंकि प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है ना, तो बस आप पानी वानी पिए, रेस्ट करें, थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करूँ मैं अपने। पुच्छू जैसे मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, पुच्छू कहीं भी हो सीधा मेरे पास आ जाएगा भाग के, अगर ये यहाँ पर है ना और जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट करा ये तुरंत यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसको पसंद है बहुत व्लॉग बनाना है। इस अब मैंने आते ही कपड़े वगैरह चेंज करे, इतना आराम मिल रहा है ना कपड़े चेंज करके, सच में वो टॉप जो मैंने पहना था ना वो ना मतलब थोड़ा लास्टिक वाला टॉप था, हाथों पे से तो हाथ ऐसे हो गए मेरे बिल्कुल सुन पड़ गए थे, तो आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए, पानी पिया और सब कपड़े चेंज किए, अब थोड़ा रिलैक्स मिला है, आराम मिला है। सच में कुछ भी पहनो रिलैक्स तो अपने टी शर्ट लोअर में ही मिलता है। हाँ और पुच्छू अब घर गए, मौसे पुच्छू गए क्योंकि पुच्छू जा नहीं रहता बिल्कुल भी, उसका बेचारे का मन नहीं करता जाने का, और उसका ट्यूशन था तो मौसे जबरदस्ती लेके गई है उसको, डांट डांट के रो रो के गया बेचारा, क्या है कि उसको मैं ट्यूशन से पढ़ के यहीं आऊँगा वापस यहीं आऊँगा, तो मौसे भी झूठ बोल के ले गई कि हाँ ठीक है यहीं आई हो, उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का, आज उसका ट्यूशन में टेस्ट था तो इसलिए मौसी ने मौसे जबरदस्ती ले गई उसको। कोई नहीं, पढ़ाई जरूरी है बच्चों के लिए, पढ़ना जरूरी है, और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, एक घंटा सो जाती हूँ फिर उठ के देखती हूँ। इस देखो कौन आया है, हमारी टकली आई है। आदु आदु तुम्हारे हेयर कहाँ है, बाल कहाँ गए, कौन ले गया बताओ, आदु तुम्हारे बाल कहाँ गए, खरगोश आदु आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, बैठोगे आ जाओ। अच्छा ये तो बता दो मैं हूँ कौन, कौन है बता, कौन सी बुआ जी हैं, मेरा नाम बता दो, कौन सी बुआ हूँ मैं, नाम नहीं लेती, देखो दादी दादी नमकीन ले आई तुम्हारे, नमकीन खा लो, इसको नमकीन खाने दी, बड़ी बुआ छोटी बुआ खा लो नमकीन खा लो, सब बच्चा बुआ बात बच्चा, शिखा बुआ बोलो, शिखा बुआ नाम स्टाइल देखो। अच्छा मेरे को भी तो खिला दो नमकीन थोड़ी सी, मैं भी खा लूं, आ जाओ दोनों खाएंगे, कोई बात नहीं तुम खा लो, तुम खा लो, चलो मुझे नहीं खानी, नहीं गाइस इस लड़की ने डांस तो किया नहीं लेकिन आइसक्रीम जरूर मिल गई इसको, डांस करो, थैंक यू बोल दो अब दादी को, डांस करो पहले, चलो थैंक यू बोलो दादी, डांस करो, चिपचिप करेगी ऊपर जाके खाना, बस वो खुद ही बोल रही चलो ऊपर, आइसक्रीम मिल गई बस, डांस नहीं करना हो गया उसका काम तो हो गया, नमकीन खा लिया आइसक्रीम मिल गई, अब चलो ऊपर, देखो चेयर के पीछे छुप गई, अब कहाँ रुकेगी वो, अब देखो कैसे ताई को पकड़ के लेके जा रही है, खींच रही ताई का हाथ, चिल्लाई भाई ओ बहुत चालू लड़की है भाई। अब मैं भी नमकीन खा रही हूँ, मेरा भी मन कर गया नमकीन खाने का, वो खा रही थी आदू तो मेरे को भी लगा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ,
भूख लग गई है मुझे भी। अब नमकीन खा के फिर उसके बाद थोड़ी देर आधा एक घंटा मैं सो जाऊंगी, फिर बाद में उठूंगी। नींद आ रही है क्योंकि बहुत तेज वाली, वैसे सोऊंगी तो नहीं, नींद आ रही है। नींद मुझे आती है बट मैं सो नहीं पाती कभी, मैं सोती नहीं हूँ। सीधे रात में नींद आती है, रात में भी मुझे बहुत बहुत ही लेट नींद आती है, 2-3-4 बजे तक नींद आती है, सो नहीं पाती मैं। नींद तो बहुत आती है यार, नमकीन मुझे बहुत बड़े लगते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, एक अलग तरीके की चाय बना रही हूँ। आज मैंने वीडियो देखी थी तो मैं उसकी जैसे चाय बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है आज की मेरी स्पेशल चाय, तो देखते हैं कैसी बनती है। और यहाँ पर आंटी बर्तन धो रही हैं और यहाँ बस चाय बनने वाली है। वहाँ पर दूध भी उबल रहा है गैस पे। गाइस, मैंने चाय पी ली, एक नंबर चाय बनी थी। और अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट करके। चाय बहुत टेस्टी बनी थी, बस मेरे को ऐसा लगा मैंने चाय पत्ती कुछ ज़्यादा ही देर तक भून दी, तो मेरे को ऐसा लगा कि हल्की सी थोड़ी सी जल गई थी चाय पत्ती, बट चाय टेस्टी थी। गाइस, मम्मी अभी उठ के आई हैं सो के 7 बजे, अब उठ के आई हैं, पूजा कर रही हैं, शाम की पूजा। गाइस, अब मम्मी, मैं और रिया, हम तीनों जा रहे हैं मधुविहार मार्केट, क्योंकि अब मैं कल या कल संडे है, कल रात को या परसों मॉर्निंग में मंडे को मैं निकल जाऊंगी मेरठ के लिए। तो मम्मी जिद कर रही है कि तू अपने लिए कुछ ले ले, सूट ले ले या जींस कप लेने हैं वो ले ले, तो कपड़े दिला रही हैं जबरदस्ती। और मैं इतना मना करा, मैंने कहा मैं तो कौन सा पहली बार आई हूँ, तो मम्मी कहेगी नहीं ले, इतनी आई है रुकी है यहाँ पर तो कुछ लेके जा। इसलिए तो फिर मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ मार्केट, मम्मी मैं भी, हम तीनों जा रहे हैं। और आज डिनर में बन रहा है पुलाव, आज हमने लाइट ही खाना बनवाया है क्योंकि पेट बहुत हैवी हैवी सा हो रहा था। और हम लोग मधुविहार भी जा रहे हैं तो सोचा कि वहाँ से भी कुछ खा पी के आ जाएंगे, कोल्ड कॉफ़ी पी लेंगे, मोमो वगैरह खा लेंगे, मोमोज वगैरह। तो फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं मधुविहार के लिए। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं मधुविहार मार्केट। गाइस, हम लोग आ चुके हैं मार्केट से और अब हम लोग कर रहे हैं डिनर, आज पुलाव बने हैं डिनर में। तो डिनर करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया, मम्मी ने क्या क्या दिलाया मेरे को। सो गाइस, मेरा डिनर हो चुका है और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपने लिए क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ, मम्मी ने मुझे क्या क्या शॉपिंग करवाई है। तो मैंने अपने लिए डेली वेयर टॉप लिए क्योंकि मेरे पास है नहीं आने जाने के, तो बहुत सारे कपड़े थे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट टॉप ये है, एक ये टॉप लिया है मैंने अपने लिए पिंक कलर, और एक टी शर्ट ये है मिक्की माउस, मिक्की माउस बैक पे भी सेम यही है, फ्रंट भी यही है। एंड थर्ड टॉप मेरा ये है, ये देखो मैं दिखाती हूँ, मैंने वहाँ पर एक बाजू अंदर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये रहा, कोई नहीं निकाल ले बाहर। और नीचे का कॉट सेट है पूरा, बहुत ही अच्छा, और इस कलर का मेरे पास था भी नहीं, ये मैं लेके आई हूँ। और अभी कल भी जाना है मार्केट, स्लीपर्स वगैरह लेके आनी है, और ये क्लिप लेके आए हैं, ये वाली बहुत अच्छी लगती है, ये रही और मैं सेम सेम लेके आए हैं। और ये मैं अपने किचन के लिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा था वो टूट गया था, तो मैं दोबारा लेके आई हूँ, उसे प्याज टमाटर वगैरह ऐसे यू कस जाते हैं ना, अच्छे से पिस जाते हैं, तो इसलिए ये लेके आई हूँ। अब ये एक यहाँ के लिए, तो बस आज की शॉपिंग मेरी ये थी और बाकी अब कल जाऊँगी, कल देखती हूँ कल जो जो पसंद आएगा कल लेके आऊंगी।
और गाइस कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा टॉप मेरा सबसे बेस्ट लगा, सबसे अच्छा लगा। वैसे तो सारे अच्छे हैं पर सबसे अच्छा जो लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और गाइस और ये एक बेडशीट है, बेडशीट भी मम्मी ने दी है अभी। और ये सारा सामान मैं अपना पैक कर लेती हूँ क्योंकि फिर जल्दी जल्दी होती है ना, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर पैक नहीं कर पाती, तो इसलिए अभी सारा सामान पैक करके रख रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी में फिर भूलूँ ना मैं अपना सारा सामान। तो इसलिए सब रख लिया। बस ये मम्मी ने मेरे को सिलवा के दिया अभी, परसों तरसों ही लेके आई थी मम्मी सिलवा के। और मैंने इसकी लेगिंग पर नीचे की पैंट पता नहीं कहाँ खो दी, पता नहीं कहाँ चली गई नीचे की पैंट। अभी मम्मी वही ढूंढ रही है अलमारी में, इतनी देर से वहाँ बैठ के अलमारी में ढूंढ रही है मेरी पैंट ढूंढ रही है। कपड़ा हमारा कितना गंदा जो कपड़े मैं रख देती हूँ ना वो कभी मिलते ही नहीं है। गाइस ये मैंने इसकी पैंट इसी बैग में रख रखी है और मैंने अभी देखी, मैंने कहा चलो एक बार मैं इसी में दोबारा देख लेती हूँ। तो ये इतनी नीचे रखी हुई है ना, ये नहीं देखो यहाँ पर दबके दिखी नहीं रही थी, ये वाली पैंट इसी में रखी हुई है। और मम्मी ने पूरी अलमारी ढूंढ ली, मम्मी कही इसमें है ही नहीं, है ही नहीं। मैं कहा उसी में होगी देखो, और बैग में रखी है, मेरे ही बैग में रखी हुई है। मम्मी कही तू अच्छे से सिलवा नहीं पाती, तेरे को सिलवा के दे दूंगी। और मम्मी ने एक ब्लाउज भी सिलवाया है, वो ब्लाउज मेरा आ जाएगा कल आ जाएगा, कल सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा वो ब्लाउज मेरा, तो वो मैं तब दिखाऊंगी। बाकी अब मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ फटाफट। गाइस मेरी पैकिंग हो चुकी है डन, और अब टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। कल मदर्स डे भी है, कल संडे है, लेकिन आप लोग तो मदर्स डे वाले दिन ही ये व्लॉग देख रहे हो क्योंकि मैं कल ही डालूंगी ये वाला व्लॉग, तो मदर्स डे वाले दिन ही आप लोग ये वाला व्लॉग देखोगे। तो गाइस हम लोग चलते हैं सोने के लिए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस, लव यू ऑल।